चुनावी शंखनाद के बाद आज से प्रचार शुरू। आज आंध्र के पलांडू में एनडीए रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी के साथ टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू और जेएसपी प्रमुख पवन कल्याण भी होंगे रैली में शामिल। तेलंगाना से प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार, कहा कि अब की बार एनडीए का होगा 400 पार, देश की जनता ने तय कर दिए हैं नतीजे। पीएम मोदी का कांग्रेस बीआरएस पर अटैक, करप्शन के मामले में दोनों पार्टियां एक जैसी। मुंबई में आज इंडी गठबंधन भी करेगा शक्ति प्रदर्शन। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के साथ आज बड़ी रैली को संबोधित करेंगे कांग्रेस के आला नेता। इंडी गठबंधन की महारैली में उद्धव अखिलेश और फारूक अब्दुल्ला होंगे शामिल, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे के फॉर्मूले को आज अंतिम रूप दिया जाएगा, लोकसभा चुनाव की सीटों पर लगेगा अंतिम मुहर। मुंबई के धारावी में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कहा कि पूरे देश में गरीब किसानों और मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का हो गया ऐलान, 7 चरणों में डाले जाएंगे वोट। 19 अप्रैल को पहला चरण तो 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होगा, 4 जून को नतीजे आएंगे। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीटों पर होगी वोटिंग, 7 मई को तीसरे फेज में 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, 13 मई को चौथे चरण में 96 सीटों पर वोटिंग होगी, 20 मई को 5वें और 25 मई को 6ठे फेज का मतदान होगा। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे, आंध्र और उड़ीसा में 13 मई को मतदान, 19 अप्रैल को अरुणाचल और सिक्किम में वोटिंग, 4 जून को आएगा रिजल्ट। पीएम मोदी की वाराणसी सीट पर सबसे आखिरी चरण में 1 जून को होगा मतदान, गृहमंत्री अमित शाह की सीट गांधीनगर में 7 मई को वोटिंग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सीट वायनाड में 26 अप्रैल को होगा मतदान, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की सीट अमेठी में 20 मई को वोटिंग। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को चुनाव आयोग का जवाब, ईवीएम को 100% सेफ बताया गया, कहा कि अफवाहों पर ना दे ध्यान। चुनावों की तारीखों के ऐलान पर बोले पीएम मोदी, सुशासन और जनसेवा के ट्रैक रिकॉर्ड पर लगातार तीसरी बार मिलेगा जनता का आशीर्वाद। एनडीए 400 पार का संकल्प जरूर पूरा करेगा, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, एनडीए को मिलेंगी 400 से ज्यादा सीटें, एसबीएसपी चीफ ओम प्रकाश राजभर का बयान। बीजेपी के 400 पार के नारे पर यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का सवाल, क्या सेटिंग कर रखी है चुनाव आयोग, इस पर ध्यान दे। अर्जुन राम मेघवाल का बयान, बोले हम जनता के बीच जाएंगे और उन्हें पीएम मोदी के किए गए कामों की जानकारी देंगे और फीडबैक भी लेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जनता के बीच जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियां बताने का मौका। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासत तेज, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने चुनाव को लंबा खींचने का आरोप लगाया। 7 चरणों में चुनाव पर मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज, 70 से 80 दिन रुक जाएगा विकास। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बयान, उम्मीद है कि निष्पक्ष और बिना हिंसा के खत्म होगा चुनाव। आरजेडी सांसद मनोज झा, आरोप विपक्ष की सिद्धांतों पर सुनवाई नहीं करता है चुनाव आयोग। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने उठाया सवाल, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हुए, सरकार तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है। उद्धव गुट ने चुनाव की लंबी अवधि पर उठाया सवाल, प्रियंका चतुर्वेदी बोली कि उम्मीद करते हैं निष्पक्ष चुनाव होंगे, इस बार भी अमेठी से बड़े अंतर से जीतूंगी, कहा स्मृति ईरानी ने। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, करनाल से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, करनाल में हमारी टीम अच्छी है। बीएसपी चीफ मायावती ने कहा कि कम समय में चुनाव कराते तो संसाधनों की बचत होती। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने मतदाताओं से की अपील, कहा कि अब की बार 400 पार के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में हमारा योगदान करें। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने की राहुल की तारीफ, कहा कि जनता के साथ हुए अन्याय को वो मुखर होकर उठा रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म होने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे मुंबई के चैत्यभूमि अंबेडकर स्मारक, पुष्पांजलि अर्पित कर नमन भी किया। मुंबई में चैत्यभूमि अंबेडकर स्मारक पर लाइट एंड साउंड शो, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खत्म होने के बाद आयोजन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज कांग्रेस में बोलेंगे हमला, मुंबई कांग्रेस ना होती तो क्या होता, ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महाराष्ट्र में एनडीए की सीटें भी आज हो सकती हैं फाइनल, डिप्टी सीएम और डिप्टी सीएम आज रात अमित शाह से मुलाकात करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए सपा की 5वीं लिस्ट जारी, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे चुनाव। नागपुर में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का अंतिम दिन आज, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए गए फैसलों की जानकारी देगा संघ। बीआरएस एमएलसी की कविता से आज भी जारी रहेगी पूछताछ, दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को 7 दिनों की ईडी कस्टडी में भेजा था, 23 मार्च तक कस्टडी में रहेंगी। रिमांड कॉपी में की कविता दिल्ली शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया है, साउथ ग्रुप और आपके बड़े नेताओं के साथ रची थी साजिश। की कविता की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है, चुनाव नजदीक आते ही एक्टिव हो जाती है जांच एजेंसी, सीएम रेवंत रेड्डी का आरोप। शराब घोटाले में ईडी की याचिका पर केजरीवाल को मिली राहत, 15,000 के निजी मुचलके पर मिली बेल, नियमित पेशी से भी छूट मिली। सौंदेश खाली के शेख पर कसा गया शिकंजा, शाहजहां के भाई आलमगीर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, अब तक 7 लोग गिरफ्तार हुए। सीबीआई ने टीएमसी यूथ विंग के 2 कार्यकर्ताओं को भी पकड़ा, पूछताछ के बाद सभी को अरेस्ट किया। हरियाणा के रेवाड़ी में एक फैक्ट्री का बॉयलर फटने से बड़ा हादसा, 40 मजदूर घायल, एक की हालत गंभीर। कोंकण में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दुर्घटना के शिकार पीड़ितों की मदद की, काफिला रुकवा कर मदद की। तमिलनाडु के कन्नूर में
के पास जंगल में भड़की आग, 30 हेक्टेयर जंगल तबाह, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। विमेंस प्रीमियर लीग का फाइनल आज, दूसरे सीजन में मिलेगा नया चैंपियन, मुंबई की टीम बनी थी पहली चैंपियन। दिल्ली और बेंगलोर के बीच खेला जाएगा फाइनल मुकाबला, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा मैच, 7:30 बजे होगा जंग।